तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर भी देखा आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, इस तरह से वीडियो एडिट करने के लिए आपको जो लाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा, अगर आपके पास लाइट मोशन नहीं है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और आपको जो है यहाँ से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो गाइस, अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से 9:16 वाला यहाँ से रेशो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना, ठीक है। करने के बाद अब आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ से आपको अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ पर भी जो भी आपका इमेज रहेगा आप सिंपली उसको सिलेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको सिंपली फोटो पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना और यहाँ से शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एस पीएनजी पे इसको एक्सपोर्ट कर लेना और यहाँ से इसको सिंपली सेव कर लेना है इमेज को, ठीक है। फिर आपको सेव करना है, उसके बाद आपको फिर से बैक आना, फिर इसको डिलीट कर देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना और यहाँ से कोई भी अपने एक फोटो को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना और यहाँ से फिर शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करके यहाँ से सेव कर लेना। तो इस तरह से गाइस, आपको टोटल जो है 8 इमेजेस को क्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप 8 इमेजेस को सबको क्रॉप कर लेना, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया पहले। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, लिंक आपको जो है दोनों ही प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, अब आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको अपना बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है। आप इसको जैसे ही ओपन करोगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह लेयर दिख जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह का लेयर दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा गाइस, आपको सबसे पहले आना है स्टार्टिंग में। आने के बाद अब आपको क्या करना है, ग्रुप वन पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो ग्रीन लेयर दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, करंट फील पे जाना और यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक कर देना और यहाँ से गाइस जो भी आप अपने इमेज को क्रॉप करके रखोगे वो अलाइट मोशन में आ जाएगा, तो अलाइट मोशन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। करने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपने फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से प्लस पे क्लिक कर देना, तो वो इमेज जो यहाँ इस तरह से नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड हो जाने के बाद अब आपको फिर से बैक आ जाना है और यहाँ से देख सकते हो हमारा यहाँ पर ग्रुप वन का जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका इमेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से आगे आना है, ठीक है, थोड़ा सा आगे आना है यहाँ पर और देख सकते हो यहाँ से हमारा जो है ग्रीन लेयर स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पर जो है डबल बीट मार्क आपको दिखेगा तो आपको डबल क्लिक कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इमेज ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस इमेज को यहाँ पर ऐड करेंगे, कलर फील पर जाएंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गाइस अब आपको क्या करना होगा कि जो इमेज को यहाँ पर आप ऐड करोगे उसी को रिपीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना और यहाँ से ये इमेज यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद आपको फिर जो ये आपका दिख रहा है चार लेयर यहाँ पर ग्रीन वाला, इसमें भी ये सेम इमेज को ऐड करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, कलर फील पे जाएंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करके फिर उसी इमेज को यहाँ पर ले लेंगे जो अभी हमने स्टार्टिंग में ऐड किया है। फिर आपको अगले लेयर पे भी क्लिक करना है, फिर कलर फील पे जाना है, यहाँ से इस पर क्लिक करके आपको उसी इमेज को यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऐड करना है लेयर में एक एक करके, ठीक है। तो सिंपली जो है मैं यहाँ पर जिस तरह से कर रहा हूँ आप भी कुछ इस तरह से करना, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हो, फिर यहाँ पर जो है इस लेयर में भी हम इसी इमेज को यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद अब आपको फिर से यहाँ ऊपर में डबल बीट मार्क दिख जाएगा, तो यहाँ पर डबल क्लिक करना, फिर आप नेक्स्ट बीट की तरफ आ जाओगे, यहाँ पर नेक्स्ट लेयर की तरफ जो यहाँ से स्टार्ट होता है डबल बीट मार्क के बाद। और यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक करना, फिर करंट फील पर जाना और यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ पर अब अपने कोई भी फोटो को चेंज कर देना, ठीक है। जो भी फोटो अब लेना चाहते हो उसको यहाँ रख लेना। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ हमारा दूसरा फोटो था और यहाँ अब दूसरा फोटो हो गया, ठीक है, डबल बीट मार्क के बाद। फिर यहाँ पर जितना भी आपका ये चार लेयर रहेगा सेम इमेज रहेगा, वही सेम प्रोसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। फिर यहाँ पर कलर फील पे जाना, फिर इस पर क्लिक करना, फिर उसी इमेज को ऐड कर लेना जो यहाँ पर आपने ऐड किया है, ठीक है। उसी को यहाँ पर तीनों लेयर में फिर से ऐड कर लेना यहाँ पर भी, ठीक है।
तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर अपने इमेजेस को ऐड करना है। तो इस तरह से आपको इजीली अपने सब इमेजेस को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, ऐसे ही सेम आगे तक। फिर यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, उसका फिर यहाँ पर लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर फिल पे क्लिक करके यहाँ से फिर अपने इस इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऐड कर दिया, उसका फिर आपका ऊपर में डबल बीट मार्क दिख जाएगा, फिर आपको डबल क्लिक करके फिर यहाँ नेक्स्ट लेयर पर आना है, फिर यहाँ से अपने इमेज को चेंज कर देना है, फिर उसी तरह से आपको अगले में भी ऐड करना है, ठीक है, सेम। फिर ये देख सकते हो, फिर यहाँ जो है गाइस, यहाँ जो आपका चार लेयर बचेगा फिर यहाँ पर ऐड करना है इस तरह से, उसका फिर यहाँ पर चेंज कर देना डबल बीट मार्क के बाद, फिर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर चार लेयर में ऐड कर देना, फिर यहाँ पर चेंज कर देना, तो कुछ इस तरह से आप पूरा एंड तक ऐड कर लेना, ठीक है गाइस। आपको इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि आपको बैक आ जाना, ठीक है, बैक आना है, उसके बाद आपको चल जाना है शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे। शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे आने के बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है, और यहाँ से पांच लेयर को सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना, कॉपी फाइव लेयर कर देना, उसके बाद आप बैक आना, उसके बाद आपको फिर से बीटमार प्रोजेक्ट पर चल जाना है, ठीक है। बीटमार प्रोजेक्ट पर जाने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, पेस्ट फाइव लेयर कर देना है, उसके बाद देख सकते हो पूरा एंड तक आ जाओगे, उसके बाद आपको फिर से ये लॉन्ग प्रेस करके पांचों लेयर को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से इसको इस यहाँ तक एंड तक ले आना। तो गाइस जिस तरह से मैंने बताया आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आपका बिल्कुल सेम बन जाएगा। इसी तरह करने के बाद आपका पूरा एडिटिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ से शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना, क्वालिटी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।